मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स साहसिक पर्यटन पर एक वीडियो डाल रहा हूँ जो कि हावर क्राफ्ट के बारे में है। हावर क्राफ्ट ऐसा यान है जिस पर पर्यटकों को भ्रमण के लिए घुमाता है, टहलाता है और इसका प्रचार के लिए बहुत उपयोगी उपकरण है। हावर क्राफ्ट की खासियत यह है कि ये जमीन से 2 फीट ऊपर चलता है, सरफेस और पानी दोनों, जमीन और पानी दोनों पर चलता है। नदी हो या समुद्र हो, इसका प्रयोग कहीं भी किया जाता है। इसकी बनावट इस तरह होती है कि इसका हल जो होता है, इसका हल ये जो है आपका, ये इस बनावट की तरह बना होता है कि अगर ये हावरक्राफ्ट पानी में बंद हो जाए तब ये पानी में तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। नंबर एक। नंबर दो, इसमें 2 इंजन होते हैं। पहला होता है लिफ्ट इंजन। लिफ्ट इंजन जो होता है ये हवा को प्रवाहित करता है जो कि हावर क्राफ्ट लगे हुए एयर कुशन में हवा भरता है, जिससे हावर क्राफ्ट हवा में ऊपर 2 फीट आ जाता है। इसके बाद होता है दूसरा इंजन, जिसको कहते हैं थ्रस्ट इंजन। थ्रस्ट इंजन जो होता है, थ्रस्ट इंजन में काम होता है हावर क्राफ्ट को स्पीड देना। हावर क्राफ्ट स्पीड चलता है तो ये जो है हावर क्राफ्ट की गति को बढ़ाता है। साथ ही जो आगे पायलट होता है, पायलट के पास ही रडर लगा होता है जो डायरेक्शन को बदलने काम करता है। रडर लगा होता है जिससे कि हावर क्राफ्ट को दिशा परिवर्तित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट होता है। सीटिंग अरेंजमेंट में छोटे हावर क्राफ्ट उतने सक्सेस नहीं हैं जितना कि बड़े हावर क्राफ्ट सक्सेस हो रहे हैं। छोटे हावर क्राफ्ट का प्रयोग केवल खेल के लिए ही किया जाता है। बड़े हावर क्राफ्ट जो होते हैं उनका प्रयोग पैसेंजर्स को घुमाने के लिए और कार्गो के लिए भी किया जाता है। ये हावर क्राफ्ट हमने लखनऊ में गोमती नदी में चलवाया था, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। इसमें 6 लोग बैठते थे, क्योंकि पानी बहुत गंदा था गोमती का, अतः इसका जो है संचालन सही तरह से हो नहीं पाया, इसलिए इसको बंद करना पड़ा। लेकिन अगर इसको बड़े लेबर और बड़े रूप में किया, जिसमें 35-40 पैसेंजर बैठ सकते हैं, उस दशा में इसमें काफ़ी लाभ मिलता है और इससे पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। तो इस काम को करने के लिए हम आगे दिखाते हैं। स्पोर्ट्स हावर क्राफ्ट है और स्पोर्ट हावर क्राफ्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इसकी स्पीड के कारण इसको ज़्यादातर स्पोर्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सिंगल सीटर होता है और इसकी डिजाइन इस तरह की जाती है कि यह पलट जाने पर भी कोई खतरा नहीं होता। पैसेंजर हावर क्राफ्ट में कम से कम 30 से 35 लोग आराम से सवारी कर सकते हैं और इसका प्रयोग ज़्यादातर पर्यटकों को घुमाने के लिए जाता है। जहाँ तक ख्याल है, समुद्र और नदी में दोनों जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही आकर्षक खेल है और एडवेंचर जहाज़ है पानी का, और हवा में चलने वाला, हवा और पानी में ज़्यादातर चलता है ये। हवा से 2 फीट, पानी से 2 फीट ऊपर हवा में चलता है ये। हवा के ऊपर निर्भर होता है, सारे काम इसमें हवा में होते हैं। हाँ, बड़े हावर क्राफ्ट में पावरफुल इंजन लगाए जाते हैं और इनका कंट्रोल सदा रडर से किया जाता है। पायलट द्वारा रडर से इनको स्पीड दी जाती है, रडर से कंट्रोल किया जाता है, रडर से ये इसका डायरेक्शन बताता है। इसके बाद आपका आता है कार्गो हावर क्राफ्ट। कार्गो हावर क्राफ्ट जिस तरह से कार्गो जहाज़ होता है पानी का, उसी तरह से कार्गो हावर क्राफ्ट होता है। इसमें काफ़ी सामान आप एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ये हावर क्राफ्ट इतने सुरक्षित होते हैं कि इनमें कोई घटना, समुद्र में तूफान भी आता है अगर, तो भी इन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये तूफान के साथ हवा में लहरों के साथ ऊपर उठ जाते हैं और उसके कारण क्या होता है, ये आराम से तैरते रहते हैं और चलते रहते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं आती। कार्गो हावर क्राफ्ट जो है बहुत ही उपयोगी है। और इसके अलावा ये हावर क्राफ्ट जो है हमारे, ये ज़्यादातर कोस्ट गार्ड के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए अगर इसको जो है इनको दिया जाता है इन गार्डों को, तो ये बहुत आसानी से दुश्मन तक पहुंच सकते हैं। और धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। ये अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और बना के डाल सकें। आपको बहुत धन्यवाद।